आदरणीय दर्शकवृंद नमस्ते। टाइम्स टीवी द्वारा प्रसारित समसामयिक विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र मान दर्शकवृंद, वैशाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन हो वाला छे। निर्वाचन जे जनप्रतिनिधि सब या जनप्रतिनिधि के काल सबके मूल्यांकन कर के विषय छे, मुदा संगसंगे एक विषय इहो आबि रहल छे जे की जनप्रतिनिधि या अखन के जे परिदृश्य में उम्मीदवार सबके चयन हेतै, उम्मीदवारी जे देतै ओ सामान्य लोक या सामान्य व्यक्ति द सकैया, किया तो जै रूप से समाज में अखन के परिस्थिति निर्माण भ रहल छै, अर्थात पैसा जै रूप से राजनीति में पहुंच बढ़ा रहल छै, जे पद्धति अखन निर्वाचन के छै, अइ सब तमाम अवस्था में ई देखाइ छै जे एकटा सद लोक व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बन सकैया। अहि संदर्भ में हम सब जोड़ कर संवाद करक लेल आमंत्रित कहने छी उमेश चौधरी के। उमेश चौधरी रारा व कैंपस के पूर्व स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के सभापति रह चुकल, हुनकर बौद्धिक व्यक्तित्व के एकटा अपने पहचान युवा में। दोसर दिस ओ कहै छथिन जे हमरा विचार के अगर राजनीति होइ छै तऽ हमहू अग्रसरता भ कऽ जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में मेयर पद पर उम्मीदवार बनब, ताकि आम जनता के या कम्युनिस्ट पार्टी के जे अखन के सिद्धांत कहबै या अखन के जे परिदृश्य छै, ई परिदृश्य में की संभव छै जे एकटा सामान्य व्यक्ति मूल्य मान्यता के राजनीति कर सके, अखन के जे पूंजीवादी समाज छै ओहि में टिक सके, ई तमाम विषय वस्तु हुनका संगे आइ हम सब संवाद करब। सबसे पहले स्वागत करब उमेश जी के। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। राजनीति के या अपने संगे अखन बैस कर संवाद कर के एक तात्पर्य की तो राजनीति में अखन के अवस्था में एक दुर्गुण कहबे वो आबि गेल छे के मनी के जी। अपने सब पुरान कार्यकर्ता खास कर के युवा वर्ग अखन के परिदृश्य में देखल जाए तो वास्तव में निर्वाचन कते सहज है अहाँ सबके पृष्ठभूमि के लोग सबके व्यक्ति सबके? निश्चित रूप से बड़ा गंभीर और बड़ा जेनुइन सवाल है। हम सब जैसा राजनीति कहने रही शुरू कहने रहे थे, एगो राजनीतिक सिद्धांत विचार मूल्य मान्यता के राजनीति रहे, वैचारिक प्रतिस्पर्धा सैद्धांतिक प्रतिस्पर्धा तैयार हो, मनी पैसा वाला बात बहुत गौण रहे, प्राथमिक बात सिद्धांत विचार और जे मिनिमम कुछ खर्च तक प्रचार प्रसार में लगे थे तत्ते तक के बात रहे है। और वही के लिए आजकल निर्वाचन आयोग भी जे खर्चा के जे सीमा तोक देने रहते हैं, उसका पर्पस ये है कि अहाँ के ऐसे बेसी खर्च के जरूरत नहीं है, वह सब सारा कैलकुलेशन करके है वार्ड स्तर में एत खर्च कर सकें, नगर स्तर में ओते कर सकें, प्रदेश सभा में ओते या संसदीय निर्वाचन में ओते, तो वो सब सारा कैलकुलेशन उम्मीदवार के सारा प्रचार प्रसार भ जाते सहज रूप से ते अनुसार रहे तय कने। लेकिन वैसे कते मतलब सैकड़ों गुना बेसी खर्च हो, नंबर एक अभी के चुनाव विचार सिद्धांत पर आधारित नहीं भागे, पूरा बुर्जुबा शैली के चुनाव भागे छे, पैसा के खेल भागे छे, जेकरा पास पैसा छे वो पैसा के गलत प्रयोग करके चुनाव के परिणाम के अपना प्रभाव में करे छे। जब यहाँ गलत तरीका जे अपनाबे केवल ये चुनाव मात्र नहीं कि ये आम चुनाव या राजनीति सब जनप्रतिनिधि के चुनाव मात्र नहीं, हर एक चुनाव आर आर कैंपस के सभापति रहिए जी जी, अहाँ जे समय में खर्च करने हेबे तो बड लोग खर्च कले वही समय में तो 50,000 विद्यार्थी के चुनाव एक बहुत बेसी बुझाए, अखन के अवस्था तो 50,000 की अहाँ के एक क्लब के चुनाव हो, सामान्य क्लब के चुनाव में
ऐसा बेसी मतलब 50 के तक कल्पने नहीं कैल जा सकती है, लाख दू लाख पांच लाख दस लाख से ऊपर के एकता चुनाव जाए। जी जी, तो प्रश्न वह है अभिजी की फिर आ के जे तखन व्यक्ति के जे जे कह रहल छे ने सत्ता वह व्यक्ति के पक्ष में रहते या जेकरा पास में पैसा हो। जी जी जी, पैसा जब भी राजनीति के प्रभावित करे लगे तो विचार और एजेंडा गौण भ जाए के राजनीति में वह दिखाई। हाँ, एजेंडा गौण है और पैसा के जब भी प्रतिस्पर्धा हो लगते है तो पैसा दू नंबर काम से बेसी कमाल जाए अपराधी प्रवृत्ति से। मेहनत से आदमी करोड़ों करोड़ बहुत फ्यू आदमी जो बहुत क्रिएटिव आइडिया होते विज्ञान या कोनो क्षेत्र में बहुत बड़का नया इन्वेंशन देने होते रॉयल्टी होते बहुत चीज होते। अदरवाइज जे भी राजनीति में अबे है वो अपराधी सबके बचाव करके अपराधी गतिविधि से स्मगलिंग करके दू नंबर तरीका से गलत तरीका से पैसा कमाए है और उ पैसा के फिर राजनीतिक शक्ति के ग्रहण करे में उपयोग करे है। राजनीतिक शक्ति के पावर के फेन से मिसयूज करके पैसा कलेक्शन करे है। ऐसे कि होइ छै जे जेनुइन आदमी छै जे ईमानदार छै बौद्धिक व्यक्तित्व छै जे पास समाज के एगो नया दिशा दशा देवे के विजन छै कमिटमेंट छै इंटेग्रिटी छै लड़ी नहीं सके छै। उ चूँकि उ गलत तरीका से पैसा कमा न सके। मानू सिंपल एग्जाम्पल हमरे दिए, हम आए शिक्षण पेशा कह रहल छी, सरकारी जॉब में नहीं गेली, साहित्य तो हमर अब शैक्षिक इतिहास सब समाज के मालूम है, हमेशा रारव के टॉपर विद्यार्थी रहती, लेकिन हम ना समाज में राजनीति सबसे बड़का धर्म होइ छै। राजनीति से सभ्य चीज परिवर्तन होइ छै और ये देश समाज के परिवर्तन करी से हमें एगो कमिटमेंट रहे शुरू से। तै चलते एगो छोट मोट प्लेटफॉर्म से ओते बहुत बड़का चेंज अहाँ न कह सकबे। पॉलिटिक्स सबसे बड़का प्लेटफॉर्म है एंड पॉलिटिक्स डिसाइड्स एवरीथिंग है। तब न पोलिटिकल फील्ड में रह तब एक चीज रोजी रोटी। हाँ, रोजी रोटी के लिए कुछ तो चाहिए, हम सब धुरफंदी नहीं कह सके छी, तो कुछ मुझ शिक्षण पेशा में लागल छी। संजोग से एगो सेटिस्फेक्शन है क्या है, मेहनत से पढ़ेली बहुत ही विद्यार्थी में डॉक्टर इंजीनियर से प्रोफेसर से मनिया मन जगह पर। अब मानू हम ईमानदारी पूर्वक कमेली, हमारा पास सीमित पैसा है, हमारा पास करोड़ों खर्च करे ला तो न है। हाँ, वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से हम अध्ययन बढ़िया से कोनो भी विषय वस्तु पर देश के कोनो भी युवा जोड़े या नेता जोड़े हम मजा से प्रतिस्पर्धा या विचार विश्लेषण है ना हम कह सकते हैं। अत्य तो अध्ययन के नहीं थी, हम सोशल कमिटमेंट रहा, लेकिन पैसा के जब खेल हो लगे राजनीति में तो यह मात खा जाए थी। अब यह कहानी सभ्य ईमानदार आदमी के पास है जे 46 के आंदोलन में हम सब योगदान है, 62-63 में तो हम प्रमुख भूमिका खेलने थे, कहा था कि सोवियत के सभापति रारावा के हम ही रही और सोवियत के सभापति के बुझू ना विद्यार्थी पूरा युवा वर्ग के समेट के आंदोलन में लाना है। वही समय तो थे कि सब दिन आंदोलन अभी धुला उला धुआं खाइत खाइत बीमार पड़े स्टील सब दिन अभी पड़े। तेई बेर के प्रमुख भूमिका में हम सब रहल छी। मधेशो आंदोलन भेले, बहुत ईमानदार साथी सब मधेश मुक्ति के लिए मधेश समानता के लिए मधेश अधिकार के लिए लड़ले, लेकिन जे जे ईमानदार कार्यकर्ता रहे कोनो भी आंदोलन चाहे ओ जन आंदोलन पहिलो होय दोसरो पहिलो आंदोलन तक कनि मूल्य मान्यता के राजनीति रहे ओहि जेनरेशन के आदमी सब बहुत हद तक स्थापित भेले। एम्हर आके जे पूँजी के जे चल खेल पैसा के चल खेल बेसी भ गेल तऽ जे जेनुइन कैडर सब रहे जेका सोशल कमिटमेंट रहे कैरेक्टर के इंटेग्रिटी रहे जेरा पास विजन रहे जे एक एकदम सुंदर मधेश या सुंदर देश के सपना देखने रहे उ सपना पूरा करे लेल जे माध्यम होय चाहिए जे ओकरा भेटे चाहिए जगह ओ नहीं भेटे छै ओ जगह सीधे पैसा के इतने नहीं अहाँ कहलियै क्लबो सबके चुनाव में एते खर्च होइ छै अबै छै कहाँ पैसा कहाँ से अबै छै चुनाव के लेल कहीं ओते खर्च भेलै। ई सब सब विकृति विसंगति है, इस समाज के डेविएट कर रहा चुनाव के पद्धति विकृति विसंगति है या एकरा एना कहू ना जे राजनीति के अखन जे सत्ता या शक्ति में जाय के अवस्था छै ओहि में अहाँ के विकृति छै। देखू ये समग्र में आंशिक रूप में देखल जाए तो एक पक्ष है, लेकिन समग्र में एगो देखल जाए तो आदमी के
सत्ता के केहू ना पाबी, सत्ता कथी ला पाबी, अपना सुविधा सुख भोग के लिए पैसा कमाए के, न तो कमिटमेंट के लिए सोशल माने सामाजिक रूपांतरण के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, देश के जनता के उत्थान के लिए अगर कोई आदमी कमिटेड रहते, राजनीति करते, तो पैसा कदा एत खर्च करते, और पैसा क्यों जरूरी है। आज पैसा प्रमुख चाहे कारक तत्व तो बन रहा है, तो एक मतलब ये सब समाज के लिए बहुत खराब चीज़ है। पैसा गलत तरीका से या तो गलत आदमी के प्रभाव में रह के गलत आदमी के पैसा अहाँ लेबे, तो वो आदमी अहाँ के मिस यूज कर, चाहे क्लब में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, और सही व्यक्ति छटा रहा है पॉलिटिक्सों में, गलत आदमी सब हावी भ रहा है। आ मानू अभी कते आदमी यही सुनै छी, ए 5 करोड़ है हमरे कहे छे, ए दादू 5 करोड़ रुपया हाँ ए तब नहीं जीतबा, छोड़ दा राजनीति, ए बाबा हम कहे छी 5 करोड़ कैला चाहिए, कैला कत चाहिए, प्रचार प्रसार प्रचार पंक्ति हम की छी के छी, हम एजेंडा की है, एमे आब रहल 5 करोड़ खर्च के मतलब बुझे छी, या तो गलत मीन से हमरा लाभ पड़त, आ कथी में खर्च करबे, दारू मांस पिया खियाबे, टैबलेट से बंटबे, मोटरसाइकिल रैली से मन आवश्यक करबे, पेट्रोल भरा देबे, और आज हम 10 करोड़ खर्च करबे, 5 करोड़ तो बिहान बिल हम 30 करोड़ असूलबे करबे, तो असूल के राजनीति कर, पैसा कोई भी कतौ खर्च कर, कोई चुनाव में तो टारगेट वही ठाम के जो अवेलेबल बजट है ओकरा कते हम बेसी दोहन कर दे, शोषण कर दे, ओकरा कते अपना स्वार्थ में हम ओकरा फायदा लेब, तै के लिए न तो सोशल कमिटमेंट के लिए तो पैसा खर्च कर के पद पाप के जरूरी नहीं, पैसा सामाजिक रूपांतरण के अहाँ के बुखारों नहीं देवे चाहे छी, और काम में चुनाव में लाखों लाख ये चुनाव जब करोड़ों खर्च करे छी, कोनो अहाँ समाज प्रति बहुत वफादार छी, समाज प्रति बहुत समर्पण के भावना से बात है नहीं, रोड के आगे के नाला अहाँ साफ नहीं करा सके छी, ढोबा तखन निकली न, आ करोड़ों खर्च करे छी, तो इस चीज से बहुत खराब प्रवृत्ति है, और ये लॉन्ग रन में सोसाइटी के बर्बाद करते, एगो चुनाव में युवा सबके दारू मांस खियाबे, टैबलेट बांटबे, तो ये तो युवा भ्रष्टीकरण भेल, युवा के आदत बिगड़े, अहाँ सब दिन खियाबे न, वो युवा के आदत बिगड़ते, वो बिहान भेल युवा अपराध में जुटते, और अहाँ के चुकी लगानी है, अहाँ गाड़ी कैलकुलेशन कह के आयल छी कि एत बजट ओहिठाम है, तो एत हम रुपया खर्च कर, हाँ लड़ चाहे छी, मुख्य वह बात है, और ये मोटा मोटी राजनीति में ये बात हावी भ रहा है, और ए पार्टी से मोर और लेस कोनो पार्टी अछूत नहीं भ रहा है, एक प्रभाव सब पार्टी प्रति पड़ रहा है। जेना एगो बात अखन जे मीडिया के चर्चा के विषय छे, मीडिया में चर्चा अहूँ मेयर में लड़बे से कह के चर्चा भी है, नेकपा एमाले से लड़बे से बात अभी है जी, तो जखन ई सिद्धांत के बात अभी छे तो ओ पार्टी अपना के कते बुझाई छी जे अहाँ के एक तो कह रहल छी जे जे अखन के परिदृश्य से परिपाटी छे ओहि में कोनो पार्टी अछूतो नहीं छे जी, जी, तो जब कोनो पार्टी अछूतो नहीं छे तो जखन अहाँ अपने गेल होबे टिकट के आकांक्षी होबे नेता सब से संपर्क करने तो पूछने हैत नहीं पैसा है कि नहीं आयल नेता। देखो अभी ओना चर्चा चले डायरेक्ट नेते ये बात फाइनल स्तर के तो नहीं भगल थे, लेकिन जे बाजार में चर्चा है अथवा जे ट्रेंड और टेंडेंसी डेवलप भ रहा है जे आसपास में वही बात के हम अनुमान कह सके छी कि, और ये बात व्यापक चर्चा पार्टी भीतर में कि अहाँ के पास पैसा नहीं तो केना जितबे, अभी तो लीडरशिपे से हमारा बात नहीं भग डीसीसी मूवमेंट पर अपन बात रखबे करबे, लीडरशिप के नज़र में छे उमेश चौधरी की छे, उमेश चौधरी के इतिहास सब छे, लेकिन हमरा ई अनुमान है कि ओकरो सब नज़र में उमेश चौधरी के पास पैसा नहीं छे, नहीं सकते कतौ कतौ ओकरा सबके मनोविज्ञान में जगह कैने छे, हमरा मित्रो सब कहैत रहे यौ पैसा अहूँ के बजट देख लेने छी तै के चुनाव चुनाव करै छी, हम कहलियौ महाराज हम तो ओहि समय से राजनीति कर रहल छी जहिया बजट बहुत न्यून रहे और सोशल कमिटमेंट आदमी के बेसी रहे, आज बजट बहुते आबे लगे लास्ट ईयर से माने यो चुनाव से, तो बहुते आदमी जे और पैसा में रहल होइ तो बुझाइ छै बाप रे राजनीति में जे चल अयती तो कते न कते पैसा कमा लेब, लेकिन हमर राजनीतिक शुरुआत ओहि समय में भेल छै, और जहिया ओते बजट न रहे हम सब बजट देखला के कारण से राजनीति में निरंतरता नहीं भेल छी, सोशल कमिटमेंट रहे हमर सबके, कोन आई के हम सब राजनीति में
पैसा भेला के कारण से वह पैसा देख के छरपल से सो बात नहीं। सारा जवानी जहाँ हमारे सबके सबसे बेसी क्रिएटिव अवस्था रहे जहाँ घर परिवार के आदमी बनबै छे पैसा तहिया हम सब वॉलंटियर करके बिता दे रही ना। रारा बा कैंपस हो विद्यार्थी हो या 62-63 के आंदोलन है 62-63 के आंदोलन माते नहीं होते थे। ज्ञानेन्द्र जहाँ सत्ता में हावी भेले तहाँ से लगातार 3-4 वर्ष तो हम सब आंदोलन कोनो न कोनो रूप में आंदोलन में रह तो देखू जहिया कते आदमी वही समय में पैसा कमल के अभी दुनियादारी दायाँ बायाँ करके हु बाई हुक और बाई क्रूक पैसा कमाए थे और वो राजनीति में आवेदा चाहे ओहू से बेसी पैसा कमाए कोनो भी दोसर व्यापार से बेसी पैसा है राजनीति में तय के ले लीजिए तुरंत बेनिफिट बजाय। लेकिन हम सब सोचियो ना जहिया राजनीति शुरू कैली तहिया तो बिना पैसा के ना सारा हम सब समय दी रारा बाबा में कथी तद भत्ता तो न रहे सारा दिन हम सब दिए। अब मोटा मोटी विद्यार्थी पॉलिटिशियन के सबके लगानी बहुत रहे थे डिवोशन पर्टिकुलर हमर बात करब इन जनरल तो सभी के कंट्रीब्यूशन जैसे विद्यार्थी पॉलिटिक्स में आए थे ओकरा हम बुझे छी कंट्रीब्यूशन सारा जवानी वो सब देने पर्टिकुलर हमर बात करब अहाँ के पता है हम तो पढ़ाई लिखाई बनिया रहे साइड बाय साइड कनी टीचिंगो करते रही हम शायद तहिए ये सोशल कमिटमेंट नहीं रही सामाजिक रूपांतरण के बाद सपना से नहीं प्रेरित रहती तो हम पर्सनल लाइफ में लागल रहती तो हम नीक प्रोफेसर या सरकारी जॉब में जा सकते थे। लेकिन हमारे सबके सोशल कमिटमेंट रहे और तहिया हम सब कल्पना न कहने रही कि एक दिन एहनो आते कि लोकल बॉडी में वार्ड स्तर में एत पावर अति पैसा होते और पैसा में महा महा हम सब करब से बात कल्पना से बाहर अहू सब नहीं सोचे रहें तहिया न हमू सब सोचे रहें सीमित बजट अब वही बजट से अपन मेहनत प्रयास जनता सबके परिचालित करके स्रोत साधन के उपयोग करके केना गाँव समाज देश निर्माण होते वही सपना रहे ना। तो तहिया क्या वह मूल्य मान्यता हम सब आइयो बोकने थी लेकिन दुर्भाग्य थे आइ हमरा सबके ह्यूमिलेशन फील होइ छै हालांकि राजनीति प्रति आदमी के वृत्तिष्णो जागि रहल छै जेकर इहे कारण छै जब भी पैसा हावी होतै गलत तरीका से एना एकरा बुझाउ न या एकरा एना बुझी जे लोक सबके जे देखा देखी के अखन छै न जी मतलब एक त हमर जनप्रतिनिधि ठीक नै भेल सेहो हम नहीं कह सकै छी किएक तऽ जखन ओ व्यक्ति कोनो भी स्वाभाविक रूप से जे ओ पाई करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कऽ कऽ जब चुनाव होइ छै तऽ ओ ओहिमे लगानी लगबै छै तऽ हम सब इहो नहीं कह सकै छी जे हमर जनप्रतिनिधि कमजोर अछि जनप्रतिनिधि खराब भऽ गेल कियाकि जनप्रतिनिधि तऽ पैसा लगा कहा वोट देली या ओ करोड़ों रुपया खर्च कलकै तब अहाँके ओ जनप्रतिनिधि बनलै ओ तऽ सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत चलू फलाना 10 उम्मीदवार मे एकरा हमरा वोट देबके से तऽ नहि रहै जाहिके कारण से समस्या दै छी। हम मानू अहाँके एक मिनट अगर डाटा के बात करबै तऽ महालेखा हरेक वर्ष ऑडिट रिपोर्ट करै छै महालेखा कहै छै अहाँके जनकपुरे के उप महानगर पालिका के बात करबै तऽ महालेखा कहै छै जे प्रमाण कागज पेश करय के 22 करोड़ रुपया छै एक वर्ष में 22 करोड़ रुपया के वो काज कल के जेकरा पास में कोनो प्रमाण नहीं छे कोनो कागज नहीं छे तो स्वाभाविक से अगर एक वर्ष में 22 करोड़ रुपया के अगर होई छे तो एगो जनप्रतिनिधि मानो ना सहज हिसाब करबे तो एकरा कहै छे भाग बंडा यदि भाग बंडे करै छे तैयो एकटा मतलब मेयर के कहबे नगर प्रमुख के कहबे भाग में अगर 5 करोड़ वर्ष में पड़ जाए छे तो 5 वर्ष में आगे 25-30 करोड़ 40 करोड़ रुपया कमा ले छे तो ओकरा 1 करोड़ रुपया खर्च कर के चुनाव जीते में की हर्च। हालांकि रकम तो ओहू से फाजिल के बात होइ छै खेल ओहू से फाजिल के रकम को होइ छै। हाँ ये बात वास्तव में गंभीर बात छै दोषी के जनप्रतिनिधि जनता दोषी के एमे दोषी सब छै दुष्चक्र निर्माण भ गेल छै दुष्चक्र केना जनप्रतिनिधियों जब पैसा सैद्धांतिक प्रतिस्पर्धा नहीं कह सके तो वो चाहे थे कि पैसा से हम किन ली और बिकाय वाला जनता जनता के पैसा चाहिए जनता के जातिवाद चाहिए तो जनता रियल में जहिया से एजेंडा खोजे लगते विकास खोजे लगते और पैसा नहीं लेवे लगते तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि माने विकास के एजेंडा पर फोकस करते अथवा एना करू ना समाज में कौन चीज बिक सकैए बिक सके मतलब कौन से हाँ तो उ चीज में आदमी प्रतिस्पर्धा करे बिहान भेले समर्पण त्याग के समाज मूल्यांकन करे लागे ओकरा सम्मान करे लागे ओकरा वैल्यू देवे लागे
तो निश्चित रूप में बेसी से बेसी त्याग करे के प्रतिस्पर्धा भ जाते जेना 46 के 62 के आंदोलन में हमू सब दोसर से बेसी त्याग हम करी फ्रंट पर कते बेसी हमारे योगदान रहत समाज के नजर में रहत अपनों में आत्मगौरव फील हो कि व्हाट मोर आई कैन डू फॉर डेमोक्रेसी एंड द सोसाइटी तो प्रतिस्पर्धा वो करे कला तो समाज वही चीज के मूल्यांकन करे कि कते त्याग बलिदान द सके अभी के मूल्य मान्यता समाज का अथवा अपन पोलिटेल कलेक्टिव कैरेक्टर कहियो न आदमी के अस्खलित भेल दिए मूल्य मान्यता अस्खलित भेल पैसा पर वोटरों बिकाय छे न मांस दारू वोटर खोजे एक समय में युवा सब हमरे सबके नारा दिए कि दूध को दूध पानी को पानी न्याय को प्रतीक युवा को निशानी अभी के बहुत युवा सारा युवा ने बहुत युवा दारू मांस के पछा खा के जिंदाबाद जिंदाबाद गलत आदमी के करे छे जितबे छे और गलत चीज के परिणाम गलत होते कहे छे ना इफ द मींस आर बैड एंड विल बी बैड है ना साधन र माध्यम के तो संबंध होय छे साध्य र साधन गलत साधन के गलत मींस द्वारा कोनो चीज प्राप्ति करबे तो एंड भी गलत होते तो मींस में सुधार लावे पड़े तो अभी की है जे विचार से दरिद्र आदमी रहे छो पैसा के बल पर चुनाव जीतते तो पैसा पर बल पर जब चुनाव जीतते तो पैसा मोर एंड मोर मनी अब पैसे कमा ले चुनाव जीतते चुनाव ऐसा दौर है वो लगान ही करे तो 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ कमाए के लिए और जो रियल जेन्युइन कैडर है वो तो बहुत पथा छुड़ के लिए जी हो कनी एगो झिलको चिंगारी के रूप में हमारा संसार में अभी भी है भ सकी आंधी तूफान जो बह रहा है पूंजीवाद के पैसा के चल करके ये चिंगारियों निभा सके ते के जनता के आप ही सोच सके अपना ले अपना बच्चा के भविष्य के लिए आप सोच पड़ा एक बात कहूँ ना जेना अहा कहलिए जे जहिया आर आर कैंपस में पढ़ित रही कोई समय की अवस्था अहा कल्पने नहीं कहने रही जे ई देश अ हिसाब से खास कर अहा कम्युनिस्ट विचारधारा से त ओ त सब दिन पूंजीवाद के विरोध कर वाला पार्टी तो धीरे 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 परिवर्तन भेले अई अवस्था में ली जे अहा हम या जे एकटा निम्न तबका के गरीब के त बात छोड़ दियो जे निम्न तबका के या बिचला तबका कहूँ ना बिचला तबका के जैसे व्यक्ति वो आप राजनीति में चाहियो को ओकर संभावता समाप्त भ गेलै जी जी तो अई अवस्था में ई अगर काल 5 वर्ष के बाद फिर अगर ई व्यवस्था ई पद्धति में सुधार नहीं होइ छै तो 5 वर्ष के बाद तो की भ जेतै कि अवस्था ई भ जेतै जे बिचला तबका भी सोचक नहीं मुश्किल भ जेतै जे हम चुनाव लड़ी है ना निचका तबका के तो बातें छोड़ दे बिचला तबका भी छोड़ देते तखन ता है के पूंजीवादी या कभी व्यापारी या गलत रूप से माफिया जे आर्जन छे ओकर पॉलिटिक्स भ जेतै आ ओकर राजनीति में दबदबा बढ़ जेतै सब राजनीति जाकर अहा के तब ने हम सब जे राजनीति कह रहल छै देश के ठीक जगह पर ल जेतै देश के अमूल परिवर्तन क देतै ओ कल्पना के बाहर बाहर चल जेतै निश्चित रूप से देखियो पहले राजनीति अपराध दोनों अलग चीज रहे राजनीति अपराध के नियंत्रण करे समाज के शुद्धिकरण करे बनाए बीच में तो एक बात नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स भेले अथवा पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ क्राइम भेले बाद में तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अब क्रिमिनले सबके हाथ में पॉलिटिक्स चल गए खाली आर्थिक रूप से निम्न वर्ग नहीं कहियो आजकल के हमरे सबके पढ़ाई कते विद्यार्थी इतने ब्रिलियंट इतने विजनरी पैदा भ रहल छै ओकरा सबके पास देश के मतलब एगो नया नेपाल बनाए नया धर्मपुर बनाए सब हिसाब से तो सब विजन छै कमिटमेंट सारा चीज छै लेकिन द मेन डिसीजन बॉडी तो पॉलिटिक्स है वो सब चाहे छै कि नहीं वही डिसीजन बॉडी में हम सब आए जतय से निर्णय एहन कके ई परिवर्तन करी लेकिन ओहिठाम जाए के ओकरा सबके पास पैसा नहीं छै सपना छै विचार छै दुनिया के अध्ययन छै दुनिया के नेटवर्किंग छै अखन के परिदृश्य में सपना और विचार मात्र राजनीति में स्थापित नहीं कर सके यो तो सत्य बात छै नहीं नहीं तो पैसा तो चाहिए पैसा चाहिए लेकिन राजनीति में जे हिसाब से पैसा के दुरुपयोग हो के जे सत्ता कब्जा भ जाय छै और उ फेन सरकारी जे खजाना है ओकरा लूट करै छै ओ कमाई छै देश के विकास नहीं लगबै
बहुत कमिटेड यूथ सब आप चाहे छे कि हम सब एहन परिस्थिति में बचली हमारा संतान के लिए नेपाल के अमेरिका स्विट्जरलैंड बनाल जा सके। ठीक है, रातारात ओ नहीं बनते, लेकिन एक यात्रा शुरू हो चाहिए ओहि दिशा में। ओकरा सबके पास दे आर बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट टेक्नोक्रेट सब है, वो सब चाहते हैं यही भूमि के एत विकसित करी। लेकिन हु डिसाइड्स एवरीथिंग? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हमारे पावर नहीं है और उसे आइडियो नहीं सके, कला ना आ सके, बिकॉज दे हैव द टैलेंट्स, दे डोंट हैव मनी, पैसा नहीं है। हम ही मन यही रारव के नाम, जनकपुर के नाम देश विदेश में हाईलाइट के लिए नेपाल टॉप करके एशिया लेवल पर सेकेंड के लिए सारा युवा सब गौरव करे, सब युवा सब हमारा सब एगो संभावना देखने रहे, न दाजू में सोशल कमिटमेंट से सब चीज है। आज कहाँ से हम सब आज चुनावी प्रतिस्पर्धा में आदमी हो साथी भाई के आज कथी करे था जितब 5 करोड़ हो नहीं छोड़ दा छोड़ एक मतलब छोड़ दा के मतलब वो शुभ चिंतक है, वो चाहे थे बेकार में दाजू के पास जो 2-4 हज़ार जो गए ना तो वो खर्च भर जाता है, बेटा बेटी कहाँ से पालते और पैसा इतने हावी भाग से दाजू जीत भी नहीं करते। या कत विद्यार्थी सर छोड़ दे, देखो हम जो मूल्य मान्यता के राजनीति कहने 46 के आंदोलन कहने 62-63 के आंदोलन कहने, हमर लड़ाई ये विकृति विसंगति के विरोध में जारी रहते पार्टी दे। हाँ देखो पार्टी कौन आधार पर मूल्यांकन करे छे, पार्टी के टिकट हम पनाए न पनाए बड़का बात नहीं छे, नहीं पार्टी अगर गलत आदमी के टिकट के खरीद बिक्री, हालांकि एमाले में एहन नहीं भेल छे, आशा करी नहीं होए, लेकिन कतौ कतौ जे बाजार के आवाज सब छै एम की बेर ओकरा एक बेर इग्नोर नहीं कल जा सके, कहीं दुर्भाग्यवश एमाले में भी रोग कहीं सड़ गया हो तो हम सब जे विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा पढ़ के कम्युनिस्ट भेल छी, केकरो पैसा के लोभ नहीं भेल छी, हमर जमीर अगर नहीं अलाउ करत, कॉन्साइंस नहीं अलाउ करत कि गलत व्यक्ति के अहाँ जिंदाबाद करते रहो तो हम नहीं करब जब तखन हमर जे मूल्य मान्यता के राजनीति जे चीज के लिए हम राजनीति कह दिए और सारा चीज त्याग दे दी, सारा जवानी हम समाज के लिए लगा दे दी, आई विल बी फाइटिंग फॉर इट। मेयर बनना है नहीं बनना है बहुत बड़का बात नहीं है, सही चीज के लिए न्याय के लिए मूल्य मान्यता के लिए लड़ाई लड़ना ही अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। नहीं मरुख आदमी हो आई फॉट फॉर एवरीथिंग गुड, आई स्टूड फॉर गुड वैल्यूज, ये हमारा एगो सेटिस्फैक्शन तो देत ना। हम मौतों है तो एगो सागर माथा देखा विशाल गौरव के रूप में मौत है, नहीं कि एगो चमचा मिलता है। अंतिम अंतिम में कम्युनिस्ट हो या कोनो पार्टी हो, कम्युनिस्ट के अखन के पद्धति में तो कम्युनिस्ट सब पूंजीवाद में चल गए, जी जी सब पूंजीवादी भाग गए, सबके चिंतन पूंजीवादी छे निश्चित। देखो कम्युनिस्ट आपका आशीर्वाद कम्युनिस्ट के परिकल्पना के एगो यूटोपियन राज्य है जेकि व्यवहार में आ जाए तो अति उत्तम, लेकिन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, चाहे ह्यूमन जो वीकनेसेज है आदमी के लोभ लालच ये सब है तो कतौ न कतौ वो आदर्शवाद समाज के स्थापना परिकल्पना मात्र है। फिर भी कम लोभ हो, देश समाज प्रति के समर्पण हो, निजी स्वार्थ से बेसी सामाजिक और देश के स्वार्थ के किनका ऊपर राखी, अपन निजी स्वार्थ के देश समाज के स्वार्थ के निहित अंतर्निहित राखी, ये प्रमुख बात सब है। पूंजीवाद के दुनिया में टोटल पूंजीवाद के यहाँ नहीं इग्नोर करके नहीं सर्वाइव कर सकते, फिर भी समाजवाद हाँ समाज पूंजीवाद भाग ले वही दिशा में, भले संविधान में समाजवाद उन्मुख लिखियो देने है लेकिन जत्ते भी बात सब एक्टिविटी सब भ रहा है और पार्टी के भी जे हिसाब से टिकट वितरण के काम कर दे तो कतौ न कतौ पूंजीवादी चरित्र देखा रहा है। समाजवाद मुख में जत्ते बोल अभी तक पार्टियों से क्यों नामे समाजवाद बहुते पार्टी में जोड़ देने रहे, ये बाबा अहाँ नाम समाजवाद दे छे अहाँ के चरित्र अहाँ के चाल अहाँ के सारा चीज है ना, ठीक समाजवाद को उल्टा भ रहा है, ये आपत्तिजनक बात है। चलो आपत्तिजनक, बहुत बहुत धन्यवाद अहूँ के धन्यवाद। निर्वाचन केंद्रित कार्यक्रम आप हम सब प्रत्येक दिन लगे आए अपने सब देख कर प्रतिक्रिया जरूर दे। आज हमर सबके अतिथि छलेथा उमेश सौधरी नेकपा एमाले के नेता छथि।
खास कर उनका संगे हम सब अखन के निर्वाचन के संदर्भ जोड़ कर निर्वाचन पद्धति के संदर्भ जोड़ कर संवाद कर कार्यक्रम केहन लागल अपन प्रतिक्रिया जरूर दे। बेस्ता नमस्कार।